नीमच नगर समस्या एवं सुझाव ग्रुप द्वारा 45 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए आज फ्री कोविड टीकाकरण शिविर झूलेलाल मंदिर विकास नगर पर लगाया गया। जिला प्रशासन और जिला स्वास्थ्य विभाग के सहयोग एवं नगर समस्या एवं सुझाव व्हाट्सएप ग्रुप के तत्वावधान में 45 वर्ष की आयु से अधिक महिलाओं एवं पुरुषों के लिए कोरोना से बचाव हेतु निःशुल्क वैक्सीनेशन कैंप आज सुबह 9 से 5 बजे तक झूलेलाल मंदिर विकास नगर नीमच पर आयोजित किया गया। शिविर का शुभारंभ सुबह 9 बजे से विधायक दिलीप सिंह परिहार द्वारा किया गया। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता संतोष चोपड़ा ने बताया कि 270 से अधिक लोगों को टीकाकरण हो चुका है और 400 का टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। ग्रुप द्वारा सभी टीका लगाने वालों को पैरासिटामोल सहित विटामिन सी, D3 व जिंक की गोली निःशुल्क वितरित की गई। नगर समस्या एवं सुझाव ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप जो है इसके तत्वाधान में आज वैक्सीनेशन कैंप झूलेलाल मंदिर पर आयोजित किया गया है। इसमें लगभग 260 से 70 के बीच में अभी वैक्सीनेशन हो चुका है और 400 तक का टारगेट है। और यहाँ सभी जो वैक्सीनेशन लगाने आ रहे हैं उनको हम पैरासीटामोल गोली, एक विटामिन सी की गोली, एक लिमसी गोली प्लस एक पानी की बोतल सभी को प्रोवाइड करा रहे हैं। और यहाँ सभी की मतलब कि कूलर वगैरह की व्यवस्था सब अच्छी। जिस तरह नगर सुझाव समस्या का जो हमारा एक ग्रुप है काफ़ी सक्रिय ग्रुप है, इसमें सभी समाज के जनप्रतिनिधि और सभी के सुझाव इसमें आते हैं और उसका पूरा निराकरण करने का कोशिश किए जाते हैं। उसके आज जब ये कोरोना का जो वैक्सीन हमारे यहाँ लग रहा है, ये नगर सुझाव समस्या जो ग्रुप है उसमें हमारा उठा और उसके 15 दिन हो गए। आज सारी सभी समस्या के जो नगर के हैं उन्होंने घर घर जाकर इसका प्रचार प्रसार किया और आज हमारे पास 250 जो मेंबर है उनके तो हमारे रजिस्ट्रेशन हो चुके थे, लेकिन उनके अलावा भी आज 100-150 लोग ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन हमने नहीं किया, लेकिन फिर भी स्वेच्छा से अपने आज इन्होंने यहाँ पे वैक्सीन लगाया है। वैक्सीन के अंदर जैसा कि कोरोना महामारी जो तेज़ी से बढ़ रही है उसको देखते हुए वैक्सीन हमारे शहर जरूरी हो गया है और उसको जरूरी समझते हुए आज हमारी जो ग्रुप है उसने जो ये बीड़ा उठाया है ये लगातार जारी रहेगा और आगे भी चलेगा। और आज कम से कम 400 का टारगेट हमारा है कि 400 तक शायद हो जाएंगे। और जो भी लोग यहाँ आ रहे हैं वैक्सीन लगाने उनको पैरासिटामोल और विटामिन सी और उनकी सारी टेबलेट वगैरह दी जा रही है। बोतलें वगैरह हमारे जो बिस्लरी की है वो सभी को प्रोवाइड की गई है और हमारा ग्रुप बढ़ चढ़ कर इसमें भाग ले रहा है और आगे भी जारी रहेगा। समस्या एवं सुझाव ग्रुप यहाँ नीमच में बना हुआ है जिसके एडमिन भाई श्री विवेक खंडेलवाल सोनू भाई है और इसमें इस ग्रुप में नीमच के सभी समाजसेवी, सभी जनप्रतिनिधि और सभी डॉक्टर हैं और सभी प्रशासनिक अधिकारी इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं। और जो भी समस्या नीमच की आती है वो इस ग्रुप के माध्यम से इस ग्रुप में उठाई जाती है और उनके समाधान भी इसी ग्रुप के माध्यम से जितने संभव होते हैं उन ग्रुप के माध्यम से उन सभी समस्याओं का समाधान भी किया जाता है। अभी जब यहाँ नीमच में ज्ञात हुआ कि अभी तक जो वैक्सीन लगी है 45 प्लस वालों को वो लगभग अभी सिर्फ 50% ही वैक्सीन लगी है, तो इस बात का जब समस्या और सुझाव ग्रुप में जब इस बात की जानकारी आई तो उसकी चिंता करके इस ग्रुप के सभी सदस्य और पदाधिकारियों ने एक कैंप लगाने का यह फैसला लिया। नीमच से दीपक खताबिया की यह रिपोर्ट।